हेलो दोस्तों, मैं गोविंद कुमार गुप्ता पीवीजी ट्रिक की क्लासेज में आज हम लोग देखेंगे अलजेब्रा पार्ट टू। ठीक है, पहले हम लोग इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, अगर जो भी पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे देख ले जरूर। ठीक है, तो उसमें देखे थे हम लोग कि एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर यदि टू हो तो एक्स बराबर कितना होता है, वन होता है। एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर यदि वन हो तो एक्स क्यूब बराबर क्या होता है, माइनस वन होता है। ठीक है, अगर एक्स प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री हो तो एक्स का पावर सिक्स बराबर क्या होगा, माइनस वन। और एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर क्या होगा, जीरो। और एक्स का पावर सिक्स प्लस वन बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, और दो तीन पॉइंट देखे थे हम लोग। ठीक है, तो आज हम लोग उससे अगला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर एट तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एट तक हो गया था, अब क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं, इसको देख ले बढ़िया से। ठीक, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स यदि x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर बराबर है तीन, ठीक है, तो x का पावर 72 प्लस x का पावर 66 प्लस x का पावर 54 प्लस x का पावर 36 प्लस x का पावर 24 और प्लस x का पावर 6 प्लस वन। ठीक है, x का पावर 72, x का पावर 66, x का पावर 54 और x का पावर 36 और x का पावर 24 और x का पावर 6 प्लस 1। हम लोग देखते हैं, तो अब इसमें क्या होगा, हमको दिया हुआ है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या है, का होल स्क्वायर 3 के बराबर है। ठीक है, तो इसका मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखते हैं, तो पहले हमको पता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो क्या होगा, अंडर रूट 3। तो हम लोग जानते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री हो तो x का पावर सिक्स बराबर क्या होता है, माइनस वन। अर्थात x का पावर सिक्स प्लस वन बराबर क्या होता है, जीरो। और एक्स क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू बराबर क्या होता है, जीरो। ये तीन बात याद रखते हैं हम लोग। ठीक है, तो अब इसको हम लोग देखते हैं, तो या तो हम लोग इसको कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेंगे तो प्रत्येक जगह क्या होगा, कॉमन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसको हम बहुत बढ़िया तरीका, सिंपल से तरीका से बनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसको क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि सिक्स एक्स का पावर सिक्स के रूप में यहाँ पे है माइनस वन, तो एक्स के पावर सिक्स के रूप में इसको क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। तो देखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा सिक्स से भाग तो कितना हो जाएगा, बारह छः के बहत्तर, मतलब एक्स का पावर सिक्स का पावर बारह प्लस एक्स का पावर सिक्स का पावर ग्यारह छः के छाछठ। ठीक है, फिर एक्स का पावर छः और छः नवा कितना हो जाएगा, चौवन। फिर एक्स का पावर छः इंटू छः प्लस एक्स का पावर छः इंटू छः चौ के चौबीस, अब एक्स का पावर सिक्स प्लस वन। ठीक है, फिर से देख ले, एक्स का पावर सिक्स का पावर बारह, बारह छः के बहत्तर हो गया। ठीक है, ग्यारह चौवालीस, ग्यारह छः के छाछठ और नौ छः के चौवन, छः छः के छत्तीस और छः चौ के चौबीस और छः प्लस वन। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि ए का पावर एन का पावर एम हो तो क्या हो जाता है, ए का पावर एन एम हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, हमको मालूम है कि x के पावर 6 का पावर 12 का मान कितना है, माइनस वन है। x के पावर 6 का मान माइनस वन है, तो माइनस का 1 का पावर 12 माइनस 1 का पावर 11 प्लस माइनस 1 का पावर 9 माइनस 1 का पावर 6 माइनस 1 का पावर 4 प्लस इसका क्या होगा, x का पावर 6 का मान माइनस 1 और फिर क्या है, प्लस 1। अब देखिए, माइनस वन का पावर यदि इवेन रहता है, यदि सम संख्या रहती है, तो क्या हो जाता है, प्लस वन बन जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्लस वन। ठीक है, वन हो जाएगा, फिर इसके बाद प्लस, ये क्या है, ऑड है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वन। फिर ये ऑड है तो क्या हो जाएगा, माइनस वन। फिर यहाँ पे क्या है, इवेन है तो क्या हो जाएगा, प्लस वन। यहाँ पे क्या है, इवेन है तो क्या हो जाएगा, प्लस वन। फिर यहाँ पे क्या है, माइनस वन। फिर क्या है, प्लस वन। अब हम लोग देखते हैं, तो प्लस वन से माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन, प्लस वन से माइनस वन, तो बच क्या गया, वन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा, वन होगा। वो हम लोग डायरेक्टली इसको समझाने के लिए हम लोग इतना किए हैं, डायरेक्टली हम लोग यहीं से कर सकते हैं कि जिसका इवेन हो
इवन होगा वो प्लस वन होगा, जिसका ऑड होगा वो क्या होगा माइनस वन होगा, ठीक है। और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x बराबर माइनस वन हो, यदि x बराबर माइनस वन हो तो 1 बाई x का पावर 99 प्लस 1 बाई x का पावर 98 प्लस 1 बाई x का पावर 97 प्लस 1 बाई x का पावर 96 प्लस 1 बाई x का पावर 95 प्लस 1 बाई x का पावर 94 प्लस 1 बाई x माइनस 1, ठीक है। पर दिया हुआ है कि 1 बाई x का पावर 99, 99, 98, 97, 96, 95, 94, ठीक है, इसके बाद x और माइनस 1, पूछ रहा है कि ये किसके बराबर होगा। अब देखिए यहाँ पे x बराबर माइनस 1 दिया है, या यहाँ पे ये भी दे सकता है कि x प्लस 1 बाई, ठीक है, नहीं, x बराबर क्या है माइनस 1 है, तो इसको दूसरे फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा x बराबर माइनस 1 होगा। अब हम लोग देखेंगे कि x का पावर अगर x की जगह पे माइनस 1 रखते हैं तो माइनस 1 का पावर क्या होगा ऑड, माइनस 1 का पावर अगर माइनस 1 को दो बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस 1 आएगा, लेकिन यदि तीन बार गुणा करें तो क्या आएगा माइनस 1 आएगा। इसका मतलब कि इवन टर्म गुणा करेंगे तो प्लस 1 आएगा, ऑड टर्म गुणा करेंगे तो माइनस 1 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, पहले अगर x की जगह पे माइनस 1 रखें तो ऑड टर्म गुणा किए हैं तो कितना आएगा माइनस 1, माइनस 1 से माइनस 1 भाग देंगे कितना आएगा माइनस 1, ठीक है, प्लस यहाँ पे माइनस 1 का इवेंट टाइम गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस 1, फिर ऑड टाइम गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1, इवेंट टर्म गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस 1, ऑड टर्म गुणा करेंगे तो क्या आएगा माइनस 1, ठीक है, फिर इवेंट टाइम गुणा करेंगे तो क्या आएगा प्लस 1, ठीक है। x की जगह पे माइनस 1 है तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस 1 और ये भी क्या हो जाएगा माइनस 1, ठीक है। x की जगह पे माइनस 1 है तो ये भी माइनस 1, पहले से ये माइनस 1 है। अब देखते हैं माइनस 1 से प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1, माइनस 1 से क्या होगा प्लस 1 कर जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। माइनस 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बराबर 0, a प्लस 1 बाई a प्लस 1 बराबर 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0, अर्थात a 0 के बराबर नहीं है, तो बताना है कि a का पावर 4 माइनस a बराबर क्या होगा, ठीक है, a का पावर 4 माइनस a बराबर क्या होगा। अब देखिए a प्लस 1 बाई a बराबर प्लस 1 बराबर 0, तो हम a प्लस 1 बाई a बराबर 1 हो तो हम लोग यही जानते हैं कि ए क्यू बराबर क्या होगा माइनस, अगर माइनस 1 है तो ए क्यू बराबर प्लस 1, अगर प्लस 1 है तो ए क्यू बराबर माइनस 1, लेकिन यहाँ ए क्यू का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे देखते हैं, तो पहले इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो a प्लस 1 बाई a बराबर क्या होगा माइनस 1 होगा, ठीक है। अब इसको करें तो ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर क्या होगा माइनस है, कि ये कहाँ चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, या देख लेते हैं ऐसे ए स्क्वायर प्लस, अगर ए कर लेंगे एलसीएम तो ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस 1, तो इसको हम लोग कर सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस ए, लेकिन हमको चाहिए क्या ए का पावर 4, तो फिर हम लोग क्या करते हैं एक बार और स्क्वायर कर देते हैं, ए का पावर 4 चाहिए तो हम क्या करेंगे एक बार और स्क्वायर कर लेंगे, तो दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर देंगे तो क्या मिलेगा हमको, इधर देख लेते हैं ए स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस 1, 1 का पावर 4 करें वही होगा, फिर प्लस 2 ए के जगह पे क्या है ए स्क्वायर, बी के जगह पे क्या है 1 इंटू 1, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर इधर क्या होगा माइनस, माइनस दो बार गुणा होगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर। अब देखते हैं ए का पावर 4 प्लस 1
प्लस टू ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, ठीक है, तो ए का पावर फोर प्लस, अब यहाँ पे क्या टू ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर घटेंगे तो क्या बचेगा, केवल ए स्क्वायर, अब बराबर क्या हो जाएगा माइनस वन, लेकिन हमको चाहिए क्या ए का पावर फोर, ए का पावर फोर माइनस ए चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस वन हो गया, ठीक है, ये जो प्लस वन है उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस वन। अब एक ए स्क्वायर का टर्म हमको चाहिए नहीं, तो ए स्क्वायर का टर्म को हम लोग क्या करेंगे हटा देंगे, तो जैसे ए का पावर फोर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या आया हुआ था ए स्क्वायर, यहाँ से अगर हम लोग करें तो ये मिला था हमको ए स्क्वायर प्लस वन बराबर माइनस ए आया था, ए स्क्वायर प्लस वन बराबर माइनस ए, तो ए स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग, ए स्क्वायर की जगह पे क्या होगा ये माइनस ए माइनस वन, ए स्क्वायर की जगह पे क्या होगा माइनस ए और ये इधर जाएगा तो माइनस वन, मतलब कि माइनस ए माइनस वन, इस ए स्क्वायर की जगह पर हम लोग रख सकते हैं माइनस ए और माइनस वन, अब बराबर इधर भी माइनस वन है, तो पहले ये देखते हैं कि ये माइनस वन से माइनस वन कट जाएगा, या इस माइनस वन को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस जीरो कट जाएगा, तो अब क्या मिला हमको ए का पावर फोर माइनस ए बराबर इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा जीरो, और ये जीरो मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो ए का पावर फोर माइनस ए बराबर क्या होगा जीरो होगा, ठीक है। इस तरह से समझाने के लिए इतना लंबा, बल्कि यहाँ से कल डायरेक्ट करते सकते हैं ए स्क्वायर प्लस वन बराबर जीरो, तो ए स्क्वायर प्लस वन बराबर माइनस ए, और डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे एक बार और, क्योंकि पावर चार चाहिए तो हम लोग एक बार और स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और पावर फोर चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे एक बार और स्क्वायर करेंगे, और यहाँ पे स्क्वायर करके देख लेंगे तो एक का पावर फोर, अब हमको ए स्क्वायर आ गया इसमें, जबकि ए स्क्वायर की जरूरत है नहीं, तो ए स्क्वायर को क्या कर देंगे हटा देंगे, और हटाने के बाद क्या आ जाएगा मेरा आंसर जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x प्लस वन बाई एक्स का स्क्वायर बराबर है तीन का, ठीक है, तो x का पावर 206, x का पावर 206 प्लस x का पावर 200 प्लस x का पावर 90, ठीक है, प्लस x का पावर 84, ठीक है, प्लस x का पावर 18 प्लस x का पावर 12 प्लस x का पावर 6 प्लस 1, ठीक है, x का पावर 206, x का पावर 200, x का पावर 90, x का पावर 84, x का पावर 18, x का पावर 12 और x का पावर 6 प्लस x का पावर 1, ठीक है। अब हम इसको देख लेते हैं, x का पावर 1 का मान क्या होगा, ठीक है, सीजीएल टायर 2 का क्वेश्चन है 2012 का, देख लें। अब इसमें क्या देखेंगे, हम लोग जानते हैं कि x का पावर अगर इसको हम लोग करें तो x प्लस वन बाई एक्स, x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या होगा, ये इधर जाएगा तो क्या होगा करनी में 3, और जब x प्लस वन बाई एक्स अगर अंडर रूट 3 होता है, इसका मतलब कि x का पावर 6 का मान क्या होगा माइनस 1 होगा, या x का पावर 6 प्लस 1 का मान क्या होगा जीरो होगा। तो अब हम लोग इसको देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए x का पावर अगर हम लोग करें ऐसे, x का पावर 6 का पावर कुछ करें तो ये 6 के मल्टीपल के रूप में होना चाहिए, लेकिन ये 6 के मल्टीपल के रूप में टोटल नहीं है, ये है ये है ये है, ठीक है, ये भी है, क्या हो जाएगा ये भी 6 एकम 6 हो जाएगा और बच जाएगा 2, 6 चौक 24 ये हो जाएगा, ठीक है, 15 छः 90 ये भी हो जाएगा, लेकिन 206 का मल्टीपल नहीं होगा, और 206 भी मल्टी 206 भी 6 का मल्टीपल नहीं होगा। तब इसमें से क्या करेंगे, दोनों तरीका अपना सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग करेंगे 206 और 200 में हम लोग क्या करेंगे x का पावर 200 कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा x का पावर 6 और प्लस यहाँ से पूरा कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा 1, इतनी बात समझ में, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ भी करें तो यहाँ भी 84 कॉमन ले सकते हैं, x का पावर 84 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा x का पावर 6 प्लस 1, क्योंकि 84 और 6 कितना हो जाएगा 90 और 84 का 84, फिर यहाँ पे भी करें तो x का पावर क्या करेंगे 12 कॉमन लेंगे तो x का पावर कितना आ जाएगा 12 6 18 प्लस 1, और पहले से है x का पावर 6 प्लस 1, तो हम लोग जानते हैं यहाँ से क्या होगा कि x प्लस 1 बाई x बराबर अगर अंडर रूट 3 है तो x का पावर 6 बराबर क्या होता है
माइनस वन या x का पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, x का पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अब ये क्या होगा, इतना याद है, पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे इसको कैसे आता है। ठीक है, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस वीडियो को जरूर देखें। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं। तो हम जानते हैं कि x का पावर 6 प्लस 1 बराबर क्या होगा, जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा, जीरो। इसका भी मान क्या होगा, जीरो, और इसका मान क्या होगा, जीरो। तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, मतलब कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जीरो, और x का पावर 6 प्लस 1 का भी मान जीरो। तो यहाँ भी मिला हमको जीरो, और यहाँ भी मिल गया जीरो, और यहाँ भी मिल गया जीरो, और यहाँ भी मिल गया जीरो। टोटल जीरो को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, जीरो। ठीक है, टोटल जीरो को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो। तो जब भी ऐसा जब भी क्वेश्चन देता है तो लगभग बहुत सारा ज़्यादातर ऐसा केस होता है कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर क्या देता है, अंडर रूट थ्री देता है। ठीक है, x प्लस वन बाई एक्स क्या देता है, अंडर रूट थ्री देता है, या कोई इक्वेशन देता है जिससे क्या बन जाता है, x प्लस वन बाई एक्स बराबर अंडर रूट थ्री ही आता है। ठीक है, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, देख लेंगे इस तरह। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x बटा 3 प्लस 3 बाई एक्स बराबर है 1, तो बताना है कि x का क्यूब बराबर क्या होगा। यदि x बटा 3 प्लस 3 बटा एक्स बराबर 1, तो x का क्यूब बराबर क्या होगा। अब हम लोग एक चीज जानते हैं कि यदि x प्लस वन बाई एक्स हो 1, तो x क्यूब बराबर क्या होता है, माइनस 1 होता है। ये हम पिछले वीडियो में बताए थे कि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 1, तो x क्यूब बराबर माइनस 1। ठीक है, वीडियो शुरू से देखें। ठीक है, और पिछला भी वीडियो भी देखें ताकि समझ में आए अच्छे से। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जब जानते हैं तो हम लोग इसको अगर x मान लें, x बटा 3 को अगर हम लोग x मान लें, तो क्या हम लोग ऐसे इसको लिख सकते हैं, x बटा 3 प्लस 1 बाई एक्स बटा 3, क्योंकि ये ऊपर चला। इसका मतलब ये अगर x है तो ये क्या होगा, x 1 बाई एक्स हो जाएगा, ये x है तो ये क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स हो जाएगा। अर्थात अगर हमको x का मान चाहिए तो क्या मिलेगा, इसका क्यूब, x क्यूब चाहिए, इसका मतलब इसका क्यूब कर देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग x क्यूब करें तो x की जगह पे क्या है, x बटा 3 का क्यूब करें तो क्या मिलेगा, माइनस 1 मिलेगा, क्योंकि फॉर्मूला ही है एक्स क्यूब बराबर माइनस 1। तो अब देखिए, एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स क्या करेंगे, क्यूब, और 3 × 9 = 27 बराबर माइनस 1। तो एक्स का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 27। एक्स का क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 27। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी सीजीएल का 2013 और 2007 दोनों में पूछा गया है। a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर यदि माइनस वन बराबर क्या है, जीरो है, तो हमको पता करना है कि ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा। यदि a बाई बी प्लस बी बाई ए माइनस वन बराबर जीरो है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान ज्ञात करना है। अब हम लोग देखते हैं, वही बात तक हम लोग करेंगे, तो a बाई बी प्लस बी बाई ए बराबर क्या होगा, 1। तो जब भी एक संख्या और उसकी रिवर्स संख्या बराबर 1 होता है, ठीक है, तो उसका क्यूब भी क्या होता है, माइनस 1 के बराबर होता है। जब एक संख्या और उसकी रिवर्स यदि 1 होता है, ठीक है, तो उसका क्यूब जो है, उस संख्या का क्यूब जो है वो क्या होता है, माइनस 1 के बराबर होता है। वही बात ये भी हो जाएगा, a बाई बी प्लस 1 बाई ए बाई बी, यही बात है x, और ये हो गया 1 बाई एक्स। तो x क्यूब बराबर क्या होता है, माइनस 1, अर्थात a बाई बी का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, माइनस 1। तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब बटा में बी क्यूब बराबर माइनस 1, तो ए क्यूब बराबर माइनस बी क्यूब, तो हमको क्या मिलेगा, ए क्यू, ये माइनस इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस बी क्यू बराबर क्या होगा, जीरो। अर्थात ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से इस टाइप पे जो स्पेशल केसेस थे उस टाइप पे हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन देखे।
लगभग 14-15 क्वेश्चन हम लोग देखे स्पेशल केस पे, ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे जो कि स्पेशल केस नहीं हो, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे जो स्पेशल केस नहीं होता है, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चन देखें, जैसे x प्लस वन बाई एक्स बराबर कुछ समथिंग 3, 4, 5 जो भी दिया रहता है, फिर पूछता है x क्यू प्लस वन बाई एक्स क्यू का मान क्या होगा, ठीक है। x स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर का मान क्या होगा, ठीक है। x का पावर 4 प्लस वन बाई एक्स का पावर 4 का मान क्या होगा, x का पावर 5 प्लस वन बाई एक्स का पावर 5 का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन है इसका फुल डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में बेसिक से देखेंगे, ठीक है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं इसका फुल डिटेल्स हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स।